फैशन वन सावित्रिया, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैशन वन सावित्रिया में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं बताने जा रही हूँ आज का ये वीडियो है किस टॉपिक पे। तो आज का ये वीडियो है इस ब्लैक चारकोल पील ऑफ मास्क पे। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इसको बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया है तो एक ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारा आज का ये वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मैंने इसे अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले इसकी स्किन टेस्टिंग की है। मैं कभी भी कोई प्रोडक्ट अगर अपने फेस पे फर्स्ट टाइम अप्लाई करती हूँ तो मैं उसकी स्किन टेस्टिंग ज़रूर करती हूँ, आप लोगों को भी ज़रूर करनी चाहिए। तो मैंने ये जो ब्लैक चारकोल पील ऑफ मास्क है इसको अपनी स्किन पे लिया है और अब मैं इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करने वाली हूँ। मैं इसे डाउन टू अप डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसे इसी तरह से अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ये पील ऑफ मास्क जो होता है वो हर टाइप की स्किन के लिए होता है। आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कैसी भी है, आप इसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। आपके फेस पे ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, आप बहुत ज़्यादा उससे टॉर्चर हो गए हो फिर भी वो सही नहीं हो रहे हैं, तो आपको इसे अप्लाई करके देखना चाहिए। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है तभी मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। इसको अप्लाई करने से आपकी स्किन जो है वो टाइटन हो जाती है, थोड़ा सा आपकी स्किन में टाइटनेस आ जाता है। अगर आपकी फेस की स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ होने लगी है, लंप होने लगी है, तो इसे आपको वीक में 2 बार ट्राई करना चाहिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देता है, फेस से डर्ट को क्लीन करता है और अगर आपकी डेड स्किन हो गई है फेस पे तो उसको भी रिमूव करता है और आपके फेस को जो है वो एकदम क्लीन कर देता है। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं तो ये उस पर भी हेल्प करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, एकदम ब्राइट कर देता है आपकी स्किन को। ओवरऑल इस एक ब्लैक चारकोल पील ऑफ मास्क के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो इसे आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं फेस कर रही हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। इसको अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अपनी फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद इसे जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ उसी तरह से आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कीजिए और इसे आपको अपने फेस पर 20 to 30 मिनट रखना है या जब तक ये अच्छे से एकदम ड्राई नहीं हो जाता तब तक इसे आपको अपने फेस पे अप्लाई करके रखना है। 30 मिनट में ये अच्छे से ड्राई हो जाता है और इसको ना मैंने थोड़ी सी थिक लेयर में अप्लाई किया है ताकि जब मैं इसको अपने फेस से रिमूव करूँ तो ये ईजीली रिमूव हो जाए। और मैंने इसके बारे में बहुत सारे रूमर सुने थे दैट इट इज़ पेनफुल, इसको जब हम लोग अपने फेस से रिमूव करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये पेन की सिचुएशन कब होती है, जब आपके फेस पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं जब आप इसको रिमूव करते हैं तो यस आपको पेन होगा अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं। बट इसकी एक ख़ास बात यह है कि आपके ये हेयर्स को रिमूव नहीं करता, ये सिर्फ आपकी स्किन की डेड स्किन को और स्किन को जो है ये क्लीन कर देता है आपकी। मैं इसे अपने नेक पर भी अप्लाई करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा फेस का कलर फेयर दिखे और मेरी नेक जो है वो डार्कन दिखे, इसलिए मैं इसको सेम अमाउंट में अपनी नेक पर भी अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ इसे फेस पर अप्लाई कर सकते हैं बट मुझे पूरा इक्वल रिज़ल्ट चाहिए इसलिए मैं इसे अपनी गर्दन पर भी अप्लाई कर रही हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है वो 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और मेरा फेस आप लोग देख सकते हैं पैक बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको रिमूव करते हैं, मैं इसे बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, बस जहाँ पर मेरे हेयर्स हैं वहाँ ये मुझे थोड़ा सा लगेगा।
इसे हमें डाउन टू अप डायरेक्शन में रिमूव करना चाहिए, कभी भी अप टू डाउन नहीं आना चाहिए क्योंकि फिर ये हमारे लिए पेनफुल हो जाता है। इसको बहुत ही अच्छे से मैं रिमूव कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इजीली, और ये निकल भी आएगा। मेरे साइड पे थोड़े से हेयर्स थे तो मुझे हल्का से यहाँ पे पेन हुआ था, और मैंने इसको बहुत ही अच्छे से रिमूव कर लिया है। तो ये रिमूव हो चुका है और आप देख सकते हैं मेरे फेस में थोड़ा सा इफेक्ट बिल्कुल भी पड़ा है। तो अब मैं जाके अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ। आप लोग रुकिए कहीं मत जाइए। तो मैंने अपने फेस को जो है वो अच्छे से वॉश कर लिया है नॉर्मल वाटर से, और अब मैं इस तरह से टैप टैप करके अपने फेस को पैड ड्राई कर रही हूँ। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस जो है कितना अच्छा लगने लगा है। मेरे सारे ब्लैक हेड्स जो मेरे फेस पे थे, मेरे नोज़ पे थे, मेरे डाउन लिप पे थे, वो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं और मेरी स्किन एकदम ब्राइटन एंड स्मूथ लग रही है। तो अब मैं इस पर अपना डेली रूटीन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी और इसको ओवरनाइट ऐसे ही रहने दूंगी। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो, और इसी तरह के मैं आगे भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आप मेरे वीडियो को देख सकें सबसे पहले।